नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6। बच्चों आज की वर्कशीट होगी हमारी महासागर पर, और आज हम महासागर के बारे में समझने और पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में महाद्वीपों के बारे में जाना कि पृथ्वी के बड़े भूभाग को जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सके महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यह देखा कि पृथ्वी के बड़े बड़े भूभाग आप यहाँ देखें, यहाँ दिए हुए हैं, ये बड़ा भूभाग ये एशिया है, इसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा रही हैं, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और यह ऑस्ट्रेलिया है, यह उत्तरी अमेरिका और यह दक्षिणी अमेरिका है। तो इस तरह से इसके सारे भूभाग को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान चुके हैं और सारे भूभाग अलग अलग पहचाने भी जा सकते हैं। तो इसी तरह से धरती पर महासागर भी हैं और महासागरों को भी बहुत अच्छे ढंग से पहचाना जा सकता है। आज हम महासागरों के बारे में जानेंगे जो इन महाद्वीपों को चारों ओर से घेरे रहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। धरती पर जितने महासागर हैं उस पर पृथ्वी पर जितना जल पाया जाता है उसका 97% भाग, मतलब समझ लीजिए कितना भाग जल धरती पर महासागरों में पाया जाता है। महाद्वीपों की तरह महासागरों की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। अब हम लोग मैप पर इन सभी चीजों को स्पष्ट रूप से जानेंगे कि कौन क्या है, कौन से महासागर कहाँ है। आप देखिए यह है प्रशांत महासागर, यहाँ देखिए यह प्रशांत महासागर है, इसको हम लोग पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। यहाँ दोनों तरफ प्रशांत महासागर दिया गया है, इसका मतलब ये है पृथ्वी गोल है और जब इस सिरा को इस सिरा से मिलाएंगे तो ये दोनों एक जगह हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ भी प्रशांत महासागर लिखा हुआ है और यहाँ भी प्रशांत महासागर लिखा हुआ है। और दुनिया में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही होता है। उसके बाद प्रशांत महासागर के बाद ये वाला देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है ये हिंद महासागर का है, और हिंद महासागर ये हिंदुस्तान है, ये हमारा प्यारा भारत है और भारत ठीक इसके बीचों बीच में अवस्थित है, इसलिए हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। उसके बाद यहाँ देखिए ये उत्तरी अमेरिका है और यह दक्षिणी अमेरिका है, यह यूरोप है और यह अफ्रीका है। यहाँ अटलांटिक महासागर एस की आकृति में है और आपको ऐसा देखने से लगता भी होगा कि ये वाला जो भाग है यह इस भाग से टूटकर अलग हुआ है और बीच में महासागर का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से ये अटलांटिक महासागर हो गया, और यहाँ देखिए उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में दक्षिणी महासागर, जिसको कि हम लोग अंटार्कटिका के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी महासागर 5 महासागर हुए। तो 5 महासागर हुए, याद कीजिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका, जिसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। बहुत आसान है, 5 महासागर: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका, इसको हम लोग अंटार्कटिका भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने 5 महासागरों की स्थिति समझ ली। एक बार पुनः देख लीजिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। दक्षिणी ध्रुव के समीप जो महासागर है इसको दक्षिणी महासागर कहते हैं। अब कुछ प्रश्न है और बहुत ही आसान से प्रश्न है। पृथ्वी पर यहाँ रिक्त स्थान को भरना है, पृथ्वी पर कुल डैश महासागर है, तो कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। उसके बाद सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर हो गया। अब प्रश्न 2 है कि किस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर आप यहां लिखिए, हिंद महासागर
महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। रखा गया है। तो ये हुआ बच्चों आज की वर्कशीट में हम लोगों ने प्रशांत महासागर को जाना और पिछली वर्कशीट में महाद्वीप को सॉरी सारे पृथ्वी पर के महासागरों को जाना और यह भी जाना कि पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं मैं वे जल का 97% भाग अपने पास रखते हैं। तो इसके साथ ही ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।